क्या आप जानते हैं सनातन धर्म में कौन सी वो सप्त नगरिया सप्तपुरिया है जिसके बारे में इतिहास में जो है प्रचलन है कि यहाँ जो है मोक्ष के द्वार इन्हें कहा जाता है। सनातन धर्म में जो है हमारे भारतवर्ष में इतने सारे महंतम नगरी हैं, इतने सारे 12 ज्योतिर्लिंग तो केवल महादेव के हैं, 4 धाम तो हमारे भगवान विष्णु के हैं, तो इस प्रकार जो है इतने सारे नगरियाँ हैं, लेकिन उसमें से जो सप्तपुरी जिनका नाम प्रचलित है जिनको जो है मोक्ष का द्वार मोक्ष की नगरी कहा जाता है, तो क्या आप इनके बारे में जानते हैं? आइए इनके बारे में बात करते हैं। जिसमें से सबसे पहली पुरी है अयोध्या। अयोध्या को कौन नहीं जान सकता। अभी जो है 2024 में जो है भगवान श्री रामचंद्र की भूमि में जो श्री राम मंदिर बनने जा रहा है उसका उद्घाटन होने ही वाला था। अयोध्या जिसे जो साकेत और राम नगरी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में जो है ये स्थित है। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ अयोध्या जिले में मुख्यालय भी है। इतिहास में जो इसे जो है कौशल जनपद भी कहा जाता था, अर्थात माता कौशल्या जो है श्री रामचंद्र की जो माता थी उनके नाम पर। उसी प्रकार दक्षिण कौशल जो छत्तीसगढ़ के आज के राज्य है उसको कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये सूर्यवंशी और रघुवंशी राजाओं का जो है ये जो है निवास होता था, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र ने अवतार भी लिया था। तो इस प्रकार से अयोध्या का मैप भी देख सकते हैं। तो अयोध्या जो है सप्तपुरियों में से सबसे प्रथम आता है। इसके अलावा जो आता है दूसरा मथुरा। जैसे कि श्री राम जन्मभूमि है अयोध्या, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा, जहाँ इसमें जो है केस लड़ने की बात की जा रही थी, जहाँ जो है भाजपा के जो है और कई सारे जो है हमारे जो नेता है वो जो है वकील जो है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो है अपना जो है हक साबित करने के लिए जो है केस लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये तो बात अलग है, लेकिन मथुरा जो नगरी है वो भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में ही आता है। ये भी जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है। मथुरा ऐतिहासिक रूप से कुषाण राजवंश की राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। लोगों की मान्यता है कि इससे पूर्व जो भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में अर्थात 7500 वर्ष से पहले भी जो है अस्तित्व में थे, तब उस समय इस नगर पे वो निवास करते थे। अर्थात जो कंस था उनका वध करके श्री कृष्ण जो है इनसे मथुरा नगरी को जो है लोगों को उसकी आक्रांता से उसके जो है अत्याचार से मुक्त कराते हैं। इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं, क्योंकि जो है इतिहासकार जो है हमारे जो इतिहास था असल में महाभारत उसको जो है वो लोग माइथोलॉजी मानते हैं, अर्थात इसको केवल मिथक मान लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा हुआ था। क्योंकि 13वीं शताब्दी में इसका जो है कई बार इसका प्रमाण मिलते हैं। 402 में चीनी यात्री फाहियान ने भारत आया था, उससे पहले किताब लिखी है। फाहियान ने आगे लिखते हैं कि इस देश के निवासी न जीव की हत्या करता है, न मद्यपान करता है और ना ही लहसुन प्याज खाता है। इस प्रकार से 630 ईस्वी में चीनी यात्री हेन सांग भी यहाँ आता है। चीनी यात्री हेन सांग ने यहाँ मथुरा की यात्रा में लिखा है कि यहाँ पर जो है जिसका क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर बताया गया है, ये भूमि जो है अत्यधिक उपजाऊ है। यहाँ के निवासी आंवला के आंवला बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। यहाँ बहुत सारे किस्म की उत्तम कपास की खेती भी होती है। इस प्रकार से यहाँ का मौसम गर्म है और कई सारी बातें यहाँ पे फाहियान ने और हेन सांग दोनों ने इसके बारे में लिखी है। तो इस प्रकार से जो है हमारे इतिहास में सम्राट अशोक से लेकर कई सारे महाराज और सम्राटों का यहाँ पे स्तूप मिलता है, कई सारे निर्माण कला मिलती है। तो दूसरा हमारा पुरियों में से दूसरा आता है मथुरा का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है। इसके अलावा अगला हमारा जो सप्त पुरियों में जिनका नाम आता है वो है विश्वनाथ, अर्थात काशी विश्वनाथ का नगरी है जो कि है वाराणसी। अब वाराणसी फिर काशी विश्वनाथ को कौन नहीं जानता। इतिहास में प्राचीन नगरी के रूप में विख्यात और प्रचलित है हमारे काशी विश्वनाथ और काशी का नगरी। तो इसमें जो है भगवान गौतम बुद्ध भी जब काशी में आए थे उस समय भी इसको प्राचीन कहा जाता था। जबकि सोचिए आप 668 ईसा पूर्व के आसपास भगवान गौतम बुद्ध का समय काल होता है, उससे पहले देखिए आप सोच सकते हैं काशी नगरी को उससे प्राचीन माना जाता है। अर्थात सोचिए कितने प्राचीनतम नगरी रही होगी काशी। तो काशी नगर वर्तमान वाराणसी कहलाता है। इससे संसार के सबसे पुराने नगरों में से एक माना जाता है। गंगा तट पर ये जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में वर्णा और असी नदियों गंगा जो नदी का जो संगम है उसके बीच बसी हुई है। इस स्थान पर गंगा ने प्रायः 4 मील तक दक्षिण से उत्तर तक घुमाव लिया है। इसी घुमाव पर ऊपर जो है काशी नगरी स्थित है। यहाँ पे जो है गंगा आरती बहुत ज़्यादा प्रचलित है। प्राचीन नाम इस नगर को जो वाराणसी के नाम से लोग को जानने में बनारस हो गया है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय पूर्वता वाराणसी कर लिया है। इसके राजा राज ऋषि राम को नागवंशीय थे और यहाँ पे जो है भगवान महादेव के जुड़े हुए बहुत सारे भगवान महादेव का दूसरा नगरी से माना जाता है। कैलाश के अलावा जो भगवान महादेव निवास करते हैं वो विश्वनाथ वो काशी व नगरी में ही करते हैं। तो ये तो थी हमारी तीसरी पुरी जहाँ पे जो है सनातन धर्म ये प्रचलित है। चौथे में आते हैं तो आता है हरिद्वार। हरिद्वार को देवभूमि कहा जाता है। हरिद्वार में भी आजकल अधिक्रमण बढ़ चुका है, लेकिन हरिद्वार को भगवान विष्णु का ही घर माना जाता है। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में एक पवित्र नगर है, जहाँ सनातन धर्म के जो है प्रमुख तीर्थों में से ये एक है। यह नगर प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं में 7 पवित्र स्थलों में से एक है, 7 पुरियों में से एक है। इसमें जो है कई सारे जो है गंगोत्री हिमनद यमुनोत्री कई सारे जो है यहाँ से उद्गम आपको देखने को मिलते हैं। यहीं से जो है केदारनाथ की यात्रा को आप प्रारंभ करते हैं, इसलिए हरिद्वार को गंगा का द्वार भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि जहाँ से जो है गंगा का उद्गम स्थल है। हरिद्वार का अर्थ होता है हरि का द्वार, अर्थात भगवान जो हमारे विष्णु जी हैं उनका जो द्वार है, अर्थात उनके ग्रह का जो है प्रवेश द्वार है, इस प्रकार से कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसको सतयुग का धाम माना जाता है, क्योंकि हमारे 4 धामों में से एक जो है बद्रीनाथ धाम का यात्रा यहीं से प्रारंभ होता है। हमारी सप्त महापुरियों में से अगली महापुरी जो आती है वो है कांचीपुरम। कांचीपुरम को जो है
दक्षिण का काशी कहा जाता है। ये केवल जो है कांची शब्द से इसको लिया गया है, जहाँ पे भारत के तमिलनाडु राज्य में कांचीपुरम जिले में ये स्थित एक नगर है जिसको कांची के नाम से जाना जाता है। यह जिले का मुख्यालय भी है। कांची हिंदू धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन मंदिर है। यह हिंदू धर्म के धार्मिक शिक्षा और शताब्दियों से केंद्र रहा है, जो कि आज जो है द्रविड़ियन आर्यन पॉलिटिक्स के कारण आज इसकी जो है उस जो महिमा मंडन था, जो जिसकी जो मान्यता थी वो जो बहुत कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है सनातन धर्म को जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं होने दिया जाता। कांची पलार नदी के किनारे स्थित है। भारत के सप्त महापुरियों में से अगला छठवां महापुरी जो आता है वो अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैनी, जिसको हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। महाकालेश्वर की देवाधिदेव महादेव महाकाल की नगरी उज्जैन को कौन नहीं जानते। यहाँ इतिहास में समय गणना यहीं से किया जाता है। कहा जाता है केवल एक सम्राट सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन में हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे कोई राजा रात में ठहर नहीं सकते, अर्थात कोई बड़े मंत्री यहाँ पे रात में रुकते, ऐसा माना जाता है। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। क्षिप्रा नदी या फिर क्षिप्रा नदी के किनारे यह बसा हुआ है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यहाँ महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह हर 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इसी नगरी में निवास करते हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका उज्जैनी या ककन श्रृंगा आदि था। उज्जैन मंदिरों की नगरी है। यह कई तीर्थस्थल है। इसकी जनसंख्या जो है कई सारे बहुत ज़्यादा दिखाई जाता है। यह मध्य प्रदेश का पाँचवा सबसे बड़ा शहर है। नगर निगम का क्षेत्रफल 152 वर्ग किलोमीटर है। भगवान शिव की उज्जैनी जिसको जो है महाकाल की नगरी कहा जाता है, की नगरी में जो है महाकाल कॉरिडोर का जो महाकाल लोक का एक निर्माण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो यहाँ जो है टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से जो है सप्त महापुरियों में छठवें नंबर पर हमारी उज्जैनी अवंतिकापुरी आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सप्त महापुरी सातवां तो वह द्वारिका धाम अर्थात द्वारिकापुरी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की जो है द्वारिका नगरी के नाम पर ही रखी गई है। असली द्वारिका, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर आप महाभारत में रुचि रखते हैं, आप इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि वो जो समुद्र में डूबी हुई आपको मिलती है उसके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से गुजरात में जो है समुद्र तट पर ही स्थित द्वारिका धाम, सोमनाथ भी वहीं पर स्थित है आसपास, और उधर ही जो है नागेश्वर धाम, नागेश्वर महादेव का जो ज्योतिर्लिंग वहाँ भी है। तो द्वारिका धाम जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है जहाँ पे वो निवास करते थे वहाँ कहलाता है। भारत के गुजरात के राज्य में देवभूमि जिला द्वारिका इसको जो है कहा जाता है। ये बहुत ही प्राचीन नगर है। द्वारिका गोमती नदी और अरब सागर किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह बिंदुओं के चार धाम में से एक है, सप्तपुरी में से भी एक है। द्वारिका ऐसा नगर है जो कि चार धाम में भी इसका नाम आता है और सप्तपुरियों में भी इसका नाम आता है। सबसे पवित्र प्राचीन नगरों में से एक इसको माना जाता है। यह श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारिका का स्थल है, अर्थात सर्व जो असली द्वारिका था वो तो समुद्र के नीचे डूबा हुआ है, लेकिन द्वारिका एक प्रतीकात्मक रूप से द्वारिका नगरी यहाँ पे है, जहाँ द्वारिकाधीश मंदिर को आप जो है गर्व से लहराता हुआ खड़ा हुआ देख सकते हैं। इस मंदिर की जो है शोभा आपको यह दिखाती है कि किस प्रकार से भारतीय हमारी संस्कृति थी, वास्तुकला किस प्रकार से थी। तो ये सनातन धर्म सप्त महापुरिया थी। क्या आप इनके बारे में जानते हैं, क्या आप इनके बारे में कुछ नया जानकारी मिला है, कमेंट करके बताइएगा। तो आप किस सप्तपुरी में से कहाँ कहाँ गए हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या आप चार धाम पे ऊपर वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।